जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह संसार एक रंगमंच है और इसमें कुछ वक्ता है मेरी तरह और कुछ श्रोता है आपकी तरह। और इस संसारिक रूपी रंगमंच में ऐसा देखा जाता है कि संसारिक जीवन में व्यक्ति जितना अपने प्रति जिज्ञासु नहीं होता है, उतना अपने बंधु बांधवों के प्रति जिज्ञासु होता है, अपने परिवारजनों के प्रति जिज्ञासु होता है, अपने सगे संबंधियों के प्रति जिज्ञासु होता है, अपने बच्चों के प्रति जिज्ञासु होता है, अपने पत्नी के भविष्य के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होता है। ये संसार के रंगमंच में ऐसा देखा गया है कि हम जितना अपने लिए जिज्ञासु नहीं होते हैं, उतना हम अपने नजदीकियों के लिए जिज्ञासु होते हैं। और इसी संसार के मोह माया चक्र में हम सब फंसे हुए हैं और इससे बहुत दूर भगवान भी नहीं है। ऐसा ही एक दृष्टांत है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में। प्रसंग है लक्ष्मण सुमंत संवाद। लक्ष्मण जी उत्तरकांड में सुमंत जी से पूछते हैं, हे सुमंत जी, कितना अच्छा होता अगर मनुष्य आगे क्या होने वाला है वो पहले ही जान जाता, मतलब अपने भाग्य के बारे में पहले ही जान जाता, तो कितना अच्छा होता। सुमंत जी बोलते हैं, क्या अच्छा हो जाता। लक्ष्मण जी बताते हैं, अगर हमें पता चल जाता कि राजाभिषेक के बाद से भैया का वनवास होने वाला है, हम उसके लिए कुछ प्रबंध करते। अगर हमें पता चल जाता कि जंगल में सीता भाभी का हरण होने वाला है, तो उसके लिए हम कुछ प्रबंध करते। हमें पता चल जाता कि भैया को नाग रचने वाले हैं, तो हम कुछ प्रबंध कर लेते। अगर हमें पता चल जाता कि भाभी को राजाभिषेक के बाद से निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता, तो हम कुछ प्रबंध करते। सुमंत जी बड़ा सटीक उत्तर देते हैं और बताते हैं, हे कुमार लक्ष्मण, ये जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, ये सब कुछ मुझे पता था। मैं महाराज दशरथ का महामंत्री, मुझे ये सब कुछ पता था, और यहां तक कि स्वर्गीय महाराज दशरथ को भी ये सब कुछ पता था। आश्चर्य में पड़ गए लक्ष्मण, मुझे कैसे पता था। होता यूं है कि राजऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे होते हैं और वहां पर दुर्वासा ऋषि के चरणों में जाकर के दशरथ महाराज पड़ जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके बाल बच्चों के विषय में क्या होने वाला है। दुर्वासा ऋषि बताते हैं कि आपका बच्चा राम जो है उसके जीवन में अधिक सुख नहीं लिखा है, और वो एक एक करके सारे वृतांत को वो बताते हैं। वहां पर जिस समय दुर्वासा ऋषि महाराज दशरथ को ये सब बता रहे होते हैं, वहां सब उस समय वहां पर मैं भी खड़ा रहता हूं और ये सब मैंने भी सुना होता है। महाराज ने मुझसे वचन लिया था कि मैं ये बात किसी के सामने उजागर नहीं करूं। अब चूंकि महाराज रहे नहीं और प्रसंग आ गया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम तो एक तुच्छ मानव है। अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा भगवानों में भी होती आई है, किसको नहीं पता है। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, भगवान विष्णु जो राम रूप में अवतरित हुए थे उनके भ्राता हैं, और उनको भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा प्रबल होती हुई है। हमें भी इच्छा प्रबल होती है उसी भविष्य की जानकारी के लिए जिस शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं।